और ये देखो बीचों बीच चल रही है, ऐसे लग रहा है कि नहीं घर हो गया है दुकान। पापा के परी तो और है, कहीं भी उड़ती रहती हैं। हाँ जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग निकल रहे हैं गदौलिया, थोड़ा शॉपिंग करना था भाई को, तो सोचिए यार कि चला जाए और राइड भी हो जाएगा, उसके ब्लॉग भी बन जाएगा और सामान भी खरीदा जाएगा। तो भाई धूप तो पानी बहुत है यार, एकदम इरिटेटिंग वाला। और हम चोर आज के ज़माने में तो भाई क्या ही बताएं हमें। आज शनिदेव का दिन है भाई, और ये देखो पता नहीं कौन सा नशा करके आते हैं सब, सस्ते नशेबाज। और ये देख सकते हैं बैटरी इसी। कंट्रोल कंट्रोल उदय देख रहा है, आ रहा है तो उसी में दब रहा है। परेशान है, परेशान है एकदम। अरे झंडू बाम वाला माइक लगा के तो खुद और परेशान हो गया भाई, पहली वाली माइक से बेकार है भाई, जाके मुंह के पास लड़ने लग रहा है एकदम। तो सुबह बहुत धूप है यार, लग रहा है कि अकेले राइड कर रहे हैं भाई रोड पे। बोलो कम ज्यादा चलाओ गाड़ी, आज आज हर ड्राइव करना है भाई। ब्लॉग ये देख सकते हैं भाई, चिकलांडू जय हो बाबा। एक मॉर्निंग का वीडियो डाले तो वो तो इतना गंदा वीडियो गया था ना भाई कि चार व्यूअर, पता नहीं कैसे आप लोग प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं वीडियो पे, प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं। ये भाई हम क्या बताएं, कहाँ बताएं यार, स्थिति बहुत गंदी है। चल चल के रुक जा रहे हैं बिचवा में, ठीक है राइडर अपनी जगह नंबर देख के कट मारो, किसी को नुकसान भाई ऐसे ही भाई चलाओ कि किसी को परेशानी ना हो। तो आपकी वजह से अगर कोई दूसरा डिस्टर्ब होता है तो भाई उसके जिम्मेदार आप हैं। तो सभी राइडरों से गुजारिश है कि ऐसे बाइक चलाओ भाई कि किसी को नुकसान ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे किसी के चलाने से। अच्छा छपरी राइडर से दूर रहो। ओहो क्या कहने हैं, लोग के पास भी सिस्टम हो गया है भाई। आप हम ही लोग बकचोद पड़े हैं। यार इतनी गर्मी लग रही है भाई क्या कहे, ऐसा लग रहा है ना एकदम पसीना पसीना हेलमेट के अंदर हो रहा, पूरा पूरा एकदम मूड के माँ बहन हो गई है भाई। इसे कैसे ब्लॉगिंग होगा यार गर्मी के दिन में, अभी ये हालत है जब अप्रैल मई में तो कोई आने को भी राजी नहीं होगा कि साथ में आए, अकेले मरना पड़ेगा भाई वीडियो में। बाप रे बाप, बुलेट पे बैठी नहीं जैसे लग रहा हवाई जहाज से बैठी हुई है भाई। ये फेवरेट चाय वाला था भाई, वो पता नहीं कहाँ चला गया, खंजाटा उसका तो समझी में नहीं आया, सीन क्या था उसका, कौन सा उसको ग्रह लग गया,
तेरी बहन का कुत्ता काटो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई यार कसम बड़ा बुरा भीड़ है यार, डिस्टर्ब हो जा रहा है माइंडली। कुछ तो गाड़ी में सबको चलाना भी नहीं आता भाई, वो भाई कहाँ घुस रहे हो यार? तो भाई फाइनली जाम से निकल चुके, मगर अभी नेक्स्ट टाइम बदौलिया गजब भीड़ है यार और गजब जाम लगा हुआ है, क्या ही बताएं अब आप लोगों को। कूड़े का भाव देखो जींस बिक रहा है, मैं ये नहीं समझ रहा था इतने धूप में भाई 70 के इंसान जाता कहाँ है यार। हाँ भाई घर से निकलने में डर लग रहा था यार, इतना तगड़ा धूप है यार, भाई जान बची रहे तो बहुत घुमाई घूमेगा इंसान। हाँ तो पहुँच गया हम लोग गदौलिया सस्ते मार्केट में, ये भाई को अपना कपड़ा लेना है सस्ते मार्केट से, और बहुत धूप है तो ऐसा होगा कि भाई धूप को ऐसे 2 रुपये डिस्काउंट करवाया जाएगा, ज्यादा नहीं 2 रुपये डिस्काउंट कर दो भाई, अपने भाई को यहाँ से कपड़ा लेना है, हमें तो पसंद नहीं आता है अब, क्योंकि भाई यहाँ का कपड़ा रद्द रहता है एकदम, लिखा रहेगा 32 और रहेगा 34, रहेगा 34 तो लिखा आ जाएगा कभी कभी 36, समझदार है आप लोग तो इसलिए आई फक इंग्लिश एंड गो टू सस्ते मार्केट गदौलिया। धूप तो भाई एकदम फिल्म तेल है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, देखो भाई रिक्शा और हीरो, यार इतनी ट्रैफिक भाई, इतनी भीड़ है क्या कहा जा सकता है। कोई भाई नहीं, तेज से यहाँ जाना है, कपड़े ही खरीदने से जाना था तो आ चुके हैं हम लोग शॉप पे, देखा जाए इसके भैया के दुकान पे, जाओ आ रहे हैं, जाओ 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 भैया। इसमें से भाई ये वाला सेट लेगा। तो भाई कपड़ा पसंद नहीं आया भाई को और जा रहे दूसरी दुकान तक, और वहाँ भी पसंद नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा कुछ होगा उपाय, वहीं पे चले जहाँ पे गए थे। हाँ तो वहीं पे चल रहे हैं भाई अभी। हाँ जी भाई, तो कपड़ा मिल चुका है और अब निकल रहे हैं घर, तो यार बहुत ट्रैफिक है आज, एकदम सीन पूरा गंदा हो गया है और मजा आ गया तो। और एक भैया का प्रवचन सुने, बहुत तगड़ा तगड़ा बात बता रहे थे, कह रहे थे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,50,000 का हम तुम्हें 50,000 का दिलवा देंगे। ये भाई रिक्शे वाले टोटो वाले का पता नहीं क्या करना चाहते हैं भाई, मैं खुद नहीं समझ आता है। और ये देखो बीचों बीच चल रही है, ऐसे लग रहा है कि इन्हीं का घर हो गया है दुकान, पापा के परी तो और है कहीं भी उड़ती रहती हैं। है
सुबह एकदम खाली खाली है पूरा मार्केट इस टाइम। और ये देखिए पापा के परी गाड़ी में बैठ के उड़ रही है। इतनी धूप है भाई ना कसम, ऐसा लग रहा है कि बोलने का मन नहीं कर पा रहा है। वरना हम तो अब तक चुप नहीं रहने वाले इंसान है, पक 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 बोलते रहते हैं बस बस। बट आज चुप है बस इसलिए कि धूप लग रही थी। तो भी अच्छा ब्लॉगिंग हुआ है भाई, ब्लॉगिंग डेली होना चाहिए भाई, चाहे कैसे भी रहे। बस थोड़ा भी इधर उधर रहता तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है कि 100% अच्छा ही रहेगा। तो ही भाई गजब भीड़ है यार, क्या किया जा सकता है। टेढ़ा होकर चल रहा है भाई, तो उस पर आज टेढ़ा होगा नहीं। अरे अरे अरे, तो भाई यार ट्रैफिक बंद हो चुका है। तो भाई से निकल चुका और अब निकल रहे हैं घर। यार कहाँ कहाँ रुका जाए भाई। और ये देखो भाई स्थिति इन्हीं लोग का सही है यार, लड़कियों की सही है कि पैर से ब्रेक लगाए। हाँ हम ही लोग का परेशानी है यार, ये सही कि पैर से ब्रेक लगाए सर। तो यार मौसम तो काफी अभी को थोड़ा अच्छा हुआ है। खुल जाओ भाई खुल जाओ। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, लव यू ऑल फैमिली। बेवफाओं को बहुत सारा हिट, और आप लोग वीडियो में प्यार थोड़ा दिखा सकते हैं तो दिखाइए, क्योंकि भाई थोड़ा सा मोटिवेशन तो आए, वरना कोई बात नहीं यार वीडियो तो आएगी ही रेगुलर बेस पे, कुछ हो या वरना ना हो हमें उससे क्या लेना देना यार। दुर्गा माता मंदिर।